हाय गाइज, आपका स्वागत है आपके नए चैनल मेडिकल ब्लॉग में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीपी नॉर्मली बीपी कितना होता है, ठीक है, और बीपी बढ़ क्यों जाता है, कम क्यों जाता है, ठीक है। तो बढ़ जाए तो क्या लेना चाहिए, कम जाए तो क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली बीपी एक सिस्टोलिन डिस्टोलिन दो तरह के बीपी होते हैं, ऊपर का डिस्टोलिन होता है, नीचे का सिस्टोलिन होता है, ठीक है। तो 120-80 होना चाहिए, ठीक, 120/80 ऊपर का 120 होना चाहिए, नीचे का 80 होना चाहिए, ठीक, नॉर्मल है तब तो आपका नॉर्मल है, ठीक। इससे अगर 120 से ऊपर है तो आपका हाई है बीपी, ठीक है। 120 से अगर नीचे है तो 120 से अगर नीचे है तो समझ लिए आपका बीपी लो है, ठीक है। 120 से ऊपर है तो हाई है, 120 से नीचे है तो लो है बीपी। तो बीपी हाई क्यों होता है, सबसे पहले तो समस्या है बीपी हाई क्यों होता है। बीपी हाई होता है जब आप जैसे कि नसें होती हैं, ब्लॉकेज होती हैं, जो धमनियां सिराएं होती हैं धमनियों में, जो धमनियों में जो कुछ ब्लॉक हो जाती हैं धमनियां, या वेंस जो नसें होती हैं वे ब्लॉक हो जाती हैं इनमें वगैरह वगैरह, तो इस वजह से भी प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो बीपी जो नापते हैं हम IMMHg नापते हैं, मतलब बीपी नापने के लिए क्या है कि जो धमनियों में रक्त बह रहा है तो उसकी स्पीड को नापते हैं कि कितनी स्पीड से ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो बीपी का मतलब यही है कि कितनी स्पीड से ब्लड जा रहा है, तो वो चीज़ हम नापते हैं, कि बाकी के ये नहीं नापते हैं कि दिल की धड़कन वगैरह वगैरह, वो थोड़ी ना इसमें आती है, तो पल्स वगैरह अलग सिस्टम है, वो अलग वीडियो बनेगी, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ ये नापते हैं कि धमनियों में रक्त बह रहा है तो कितनी स्पीड से बह रहा है। तो हर किसी का एक बाट होता है, जैसे कि आप 1 किलो है, 1 लीटर है, 1 ग्राम है, 10 ग्राम है, तो हर किसी का एक वो होता है, ठीक है। नाप तौल करने के लिए किसी से तो कंपेयर करनी पड़ेगी, तो इसीलिए इसे MMHg में नापते हैं, बीपी को MMHg में नापते हैं, मतलब पारा के बराबर, Hg मतलब पारा। तो इसकी स्पीड हम नापते हैं धमनियों में कितनी स्पीड से बहता है। कभी कभी होते हैं कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ज़्यादा, आप तली वली चीज़ें खाते हैं, देखा होगा आपने ओल्ड एज वालों को, मतलब वो 40-50 से उम्र से ऊपर वालों को ज़्यादा बीपी की समस्या होती है, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो जाता है तब भी ये समस्या होती है। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले तो एक नंबर तो है कि आप किसी अस्पताल में जाएं, दिखाएं उसमें कि कोई नसेज ब्लॉक तो नहीं है, कहीं भी कोलेस्ट्रॉल जमा तो नहीं है, नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तब भी वो देखते हैं, आपने कई वीडियो में देखा होगा छल्ला डालते हैं, ठीक है, तो ये भी समस्या होती है, ठीक है। तो इस वजह से भी आपका बीपी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाए तब भी बीपी बढ़ जाता है। कभी कभी टेंशन में आ जाए आदमी, ज़्यादा टेंशन करे तब भी उसका बीपी हाई हो जाता है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता हो, टेंशन ज़्यादा रहती है तब भी बीपी हाई हो जाता है उसका, ठीक है। बाकी तो बीपी हाई में क्या लेना चाहिए, तो बीपी हाई में अगर ज़्यादा बीपी हाई है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, बेल से सॉरी कस्टमर आ गए थे, तो बीपी हाई हो जाता है। तो बीपी हाई में तुरंत के लिए क्या ले सकते हैं, तो तुरंत के लिए आप एमलोकाइंडेटी टेबलेट ले सकते हैं, जिसमें एमलोडीपिन एसिटिनोल होता है, ये एमलोडीपी होता है, ठीक। हाँ दोस्तों, हाई बीपी अगर हो जाए तो उसमें एमलोकाइंडेटी दे सकते हैं तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी एमलोकाइंडेटी ना मिले टेलमिकाइंड 40 दे सकते हैं, टेलमिकाइंड 40 ये मेन कांड की आती है, इसमें टेलमोस्टेरोन होता है 40 mg, तो ये टेलमिकाइंड 40 भी दे सकते हैं अगर बीपी हाई है तब दे सकते हैं। बाकी अगर आपको आराम मिल जाए, फिर पेशेंट को आराम मिल जाए, फिर उसके बाद किसी डॉक्टर को दिखा दें, ठीक है। अगर बीपी लो हो गया है तो उस कंडीशन में क्या करें, अगर बीपी लो हो गया तो उस कंडीशन में उसको नींबू नमक का उसका पानी बना के घोल पिलाएं, अगर गर्मी है तो, अगर गर्मी नहीं है तो उसको मल्टीविटामिन वगैरह, ऐसे आयरन तो ठंड में थोड़ा सा मतलब सर्दी करता है, ठीक है, बाकी उसमें मल्टीविटामिन है वगैरह वगैरह, ये सारे न्यूरोकांड गोल्ड इंजेक्शन है, और DD भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो उसको कमजोरी वगैरह है तो DD लगा सकते हैं, न्यूरोकांड गोल्ड का सैचेट पिला सकते हैं, ठीक है, तुरंत आराम मिलता है। अगर ज़्यादा किसी का बीपी गिरा हुआ है और उसको चक्कर जैसे आ रहे हैं तो उसको न्यूरोकांड गोल्ड का सैचेट तुरंत पिलाएं, आधा गिलास पानी में घोरें और अच्छे से पिला दें, तुरंत उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बाकी जो दवाई देनी है नॉर्मली दवाई दे सकते हैं, और कोई समस्या है उसको वो भी दिखा लें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।